मी टू कैंपेन पर आपकी क्या राय है? देखिए दो धारा है, एक कहता है कि बहुत देर हो गई, इतने साल बाद क्यों चुप्पी टूटी। एक धारा कहता है कि ये क्लास स्ट्रगल है, मतलब ये सवर्ण महिलाओं का के चोचले हैं और मिडिल क्लास से आवाज नहीं उठ रही है, और आप मिडिल क्लास के नब्ज पर उंगली रखती हैं। तो दो जवाब चाहिए मुझे कि क्या वजह, एक तो मी टू कैंपेन पे आपकी राय, दूसरा कि क्या वजह है कि खास क्लास से आवाज उठी, और मिडिल क्लास जहां सबसे ज्यादा होता है मी टू, वहां से आवाज नहीं उठ रही। ये मी टू मुझे ये लगता है कि बहुत बहुत सशक्त विश्व आंदोलन है, और मैं इसका पूरा समर्थन करती हूँ कि ये मी टू भले ही अमेरिका से शुरू हुआ, लेकिन हमारे देश में शायद इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे यहाँ सदियों से स्त्री का शोषण हो रहा है। पवन करण की तो पूरी पुस्तकें स्त्री पक्ष, 100 महिलाएं हैं उन्होंने ली है, इतिहास की, मिथक की, धर्म की, पुराणों की, जिनके साथ कितना अन्याय हुआ, और फिर उन्हें देवी का दर्जा दे दिया। ये क्या मतलब है? आपने पहले स्त्री का शोषण किया, उसके बाद उसको देवी बना दिया, इससे उसे क्या संतोष मिला? जीते जी तो उसने कभी ना अपने साथी को पाया, ना उसने जीते जी कभी न्याय पाया। तो मैं ये मानती हूँ कि मी टू बहुत अच्छा काम कर रहा है, और जो नाम ले रहा है पहली बार, हमेशा से ये होता आया भारतीय समाज में कि जब भी किसी स्त्री ने यौन शोषण पर, अपने शोषण पर आवाज़ उठाई है, तो उसको बदचलन, दुष्चरित्र घोषित करके कानून ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है। पुलिस ने, कानून ने, सबने मिलकर ये कहा है, अरे ये तो थी ही बदचलन, इसके साथ तो ये होना ही था, अरे ये तो यौन कर्म की बहुत ही अभ्यस्त थी। जब किसी लड़की का बलात्कार का कोई मुकदमा जाता है, बलात्कार का कोई केस जाता है, लोग कहते हैं अरे ये तो बहुत ही यौन कर्म की बहुत ही अभ्यस्त थी, और इसके साथ तो बलात्कार भी हुआ है, ऐसी है, ये तो बदचलन है। और मुझे हमेशा इससे बहुत कष्ट हुआ है, और मुझे लगता है कि हम में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में ये घटित ना हुआ हो, कि उसको किसी न किसी यौन हिंसा का शिकार हुआ ना होना पड़ा हो। तो ये बहुत ही अच्छा आंदोलन, समर्थ आंदोलन है। मैं चाहती हूँ उसमें स्त्रियों और बोले, और जो आपने दूसरी बात कही कि मध्य वर्ग एकदम चुप बैठा हुआ है, देखो मध्य वर्ग की सारी ट्रेनिंग हुई है दबने में, और ख़ासतौर से स्त्री वर्ग, मध्य वर्ग बेचारा हमेशा दबा रहा है, इसीलिए मध्य वर्ग ही उठकर क्रांति करता है। सारी क्रांति हमेशा मध्य वर्ग से होती है, क्योंकि मध्य वर्ग को सबसे ज़्यादा दबाया जाता है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से। और स्त्रियों के साथ होता यह है, परिवार में जब उनके साथ कोई गलत काम होता है, कोई गलत दृष्टि से देखता है, कोई रिश्तेदार उसे, लड़की को गलत जगह दबा देता है, तो जब वो अपनी माँ से शिकायत करती है, माँ कहती चुप रहो चुप रहो, अब उससे मत बोलना, बस इतना वो करते हैं, वो कह देते उस फूफा जी से मत बोलना, उस मौसा जी से मत बोलना, इतना उसको समझा दिया जाता है लड़की को। लेकिन कभी ये नहीं हुआ खुलकर कि उस आदमी को पकड़ के कहा जाए, तुमने इतनी घटिया हरकत की है तुम्हारी बेटी समान लड़की के साथ, ये कभी नहीं कहा जाता। तो मध्य वर्ग को अभी और साहस जुटाना पड़ेगा। एक खास वर्ग की लड़कियां बोल रही हैं, और इसमें क्या मतलब है कि 25 साल पहले उसके साथ ये घटना हुई, घटना हुई 25 साल तक उसके अंदर उसके निशान हैं। अब हमारी देह मत देखो, हमारा मन देखो, जो टूटा मन में कितनी तोड़फोड़ हुई है, और कैसे उससे उबर के कैसे हम एक नॉर्मल जीवन जिए उसके बाद, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। कि कितनी अजीब बात है कि स्त्रियों को गुपचुप किस्म की यौन हिंसा से सबका पड़ता है, और वो उसके बारे में अगर किसी से कहती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो स्कूल में अपनी सहेली को बताती हैं, फिर सहेली कहती है अरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ, वो आपस में वो शेयर कर लेती हैं, लेकिन बात कभी ख़त्म नहीं होती, मैं भी उसमें शामिल हूँ। तो मैं ये मानती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मी टू आंदोलन को जो इसका मजाक बना रहे हैं, कुछ लेखक हैं जो फेसबुक पर भी इसके बारे में मजाक कर रहे हैं, और मी टू के ऊपर तुक तक बन रहा है, दोहे बन रहे हैं, और मी टू को ऐसे समझा जा रहा है जैसे कोई कॉमेडी की चीज़ है, और स्त्रियों की पीड़ा का मजाक बना रहे हैं लोग, ज़्यादातर वो पुरुष हैं। मैं मानती हूँ कि मैं बहुत असहमत हूँ उन सबसे, और मैं बहुत नाराज़ हूँ इस बात से, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इस आंदोलन का नाम भले ही बड़ा चुलबुला किस्म का है मी टू जब हम कहते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है,
इसका मकसद वो है कि स्त्रियां खुलकर आगे आए। और देखिए कितने पुरुष बेनकाब हुए हैं और कितने महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग बेनकाब हुए हैं। हमें इसको देखना चाहिए और लोगों को बेनकाब करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि स्त्रियों ने कितनी भारी कीमत चुकाई है एक छोटी एक अदना सी नौकरी के लिए, एक अदना सी सिफारिश के लिए, एक छोटे से रोल के लिए। यानी एक कितना बड़ा एक संसार है जहाँ स्त्री को अपनी देह से कीमत चुकानी पड़ती है। कितनी बुरी बात है। तो लोग तो ये भी आरोप लगा रहे कि साहित्य में लगता है सब कुछ पवित्र है, सब कुछ धुला हुआ है, एक आवाज़ साहित्य के भीतर से नहीं आई है। तो क्या सचमुच इतनी पवित्र जगह है साहित्य कि वहाँ मीटू जैसा मामला नहीं होता? नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। देखिए साहित्य में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा सनसनी फैलाना साहित्यकार का काम नहीं है। साहित्यकार शायद इन बातों को कहीं अपने लेखन में ही किसी तरह से इस्तेमाल कर लेता है और उसे लगता है कि उसको न्याय मिल गया क्योंकि उसने इसको लिख दिया। सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आपके साथ कोई अन्याय होता है, अनीति होती है, अत्याचार होता है, अतिवाद होता है, तो आप उसको बताना चाहते हैं। आपको एक अपने अंदर एक वेंटिलेटर चाहिए उस समय जिसमें से वो बात बाहर निकले। तो लेखक के पास कलम है और लेखक उसके बारे में लिख लेता है और इतनी किस्म के जिसके जिस सजीव और जीवंत छवियां हमारे सामने हैं इस तरह के अतिवाद के लेखन में, तो इससे पता चल जाता है कि हम उसका रचनात्मक इस्तेमाल करके और चुप हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लेखन की दुनिया बहुत पवित्र है और लेखिकाओं के साथ या साहित्यकारों के साथ कभी कोई यौन शोषण हुआ ही नहीं। मैं ये मानती हूँ कि वहाँ पर भी बहुत बहुत अनीतियाँ हुई, कुछ लोगों ने खुल के लिखा है इसके बारे में और कुछ चुप लगा गई है क्योंकि कुछ सोचती है कि उनका करियर ख़राब ना हो जाए।